So today we are launching Mahi Mahi. Mahi is our very first song. When we start our career, that's the first song which we started from the film Raas 2. Vishesh Films, Mukesh Bhatt, Mahesh Bhatt gave us this opportunity to do a song for them, and the song became so popular, chartbuster. And that time there was a history maker song, I mean you can say that. तो 10 सालों के बाद हम वापस इस गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं, एक नया वर्जन लेकर आए, जैसे कि आजकल रिक्रिएशन का ज़माना चल रहा है, पुराने गानों को नए, इफ आई से इन आसान लैंग्वेज के, पुराने गानों को नए कपड़े पहनाकर बाजार में उतारा जा रहा है. सो ये आज का ट्रेंड है, एंड यू हैव टू चेंज विद द ट्रेंड, यू हैव टू स्टाइल योर सेल्फ विद द ट्रेंड, वॉट लाइक जो भी चल रहा है दुनिया ज़माने में उसके साथ आपको चलना पड़ता है. सो दिस आइडिया कम अप इन आवर माइंड कि हम अपने ही गाने को रिक्रिएट करें, अपने ही गाने को जो कि अपने आप में इतिहास था 10 साल पहले, और आज भी लोग बहुत ज़्यादा उस गाने को पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर है. इनफैक्ट कुछ दिन से टिकटॉक पे गाना अचानक से ट्रेंड कर रहा है. सो दिस आइडिया कम फ्रॉम दैट ओनली कि अपने ही गाने को रिक्रिएट किया जाए. बट माही ऑलरेडी एक सुपर हिट सॉन्ग था, तो व्हाट मेड यू टू रिक्रिएट अगेन द सेम सॉन्ग? सी इट्स अ कॉल ऑफ आवर, एवरीबॉडी इज doing that, and we have also done recreations in films, yeah. And because this song is very close to our heart, and so many people love the song, and on our social media, like fans, they keep asking, why don't you do this, why don't you recreate your own song? So this idea came, and nothing better than Mahi, because that was the first click in Bollywood for us, and luckily, like by the grace of God, प्रोडक्ट हैज कम आउट नाइसली. गाना बहुत अच्छा बना है, शूट बहुत अच्छा हुआ है, पूरे एफर्ट डाले अपनी तरफ से, एंड नाउ वी आर यू नो हियर टू लॉन्च इट, एंड वी एक्सपेक्ट एंड वी प्रे दैट द काइंड ऑफ लव एंड ब्लेसिंग वी गॉट फ्रॉम द ओरिजिनल माही माही विल गेट द सेम फॉर दिस रिक्रिएशन. Which version of it's a very today's sound. I mean, we changed the entire sound, the entire production. It's a loungy kind of music. We have made it very loungy, very youthful, and we both are featuring in the video. Wow. And it's a journey of two brothers, and you will get to see in some time that what we have shot, what we have done. So praying for good, hoping for good. Okay, while shooting, any memories of previous Mahi game, like shooting ke dauran bhi kuch na? I have one very interesting memory. When we were shooting the original Mahi Mahi, and we were doing a promotional video with Imran, me, him, and the team. So there was a shot where they light the fire on the background, and I got burned my hand. And this time we shot in the ice. It was -30. सो एक गाना हम लोगों ने बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में किया था, दूसरा बहुत ही ठंडे में किया है. एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम लोकेशंस, वी हैव शॉट, लाइक वी हैव डन रियली रियली, मतलब वी हैव पुट आवर हार्ड वर्क, खुद मेहनत की है, खुद प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूसर एक तरह से सब कुछ उसी के हाथों पर होता है, कंधों पर होती है जिम्मेदारी. तो कभी कभी कैमरा लेके बर्फ़ पर चले भी हैं 1 किलोमीटर तक, क्योंकि इतना एक्सट्रीम थी लोकेशंस के वहाँ तक गाड़ियों के साथ पहुँचना मुश्किल था. अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, वी वर ऑलमोस्ट नियर चाइना बॉर्डर, सोलांच वैली, वी वर अबव दैट. सो मेहनत की, अब मेहनत के लिए बस वही है, एक आर्टिस्ट का, एक सिंगर का, म्यूजिशियन का, जो सारा हार्डवर्क होता है उसके बाद जो रिजल्ट, टीचर्स लोग जो हायर अथॉरिटीज़ बैठे होते हैं कि पसंद आया कि नहीं, उसके लिए उम्मीद है कि अच्छा लगेगा सबको. कंपोजिशन में कितना चेंजेस किया, कितना परसेंट? देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन, द कंपोजिशन इज एग्जैक्टली द सेम, वी डिडंट चेंज बिकॉज़ द सॉन्ग इज आउट एंड आउट अ कल्ट सॉन्ग, एज आई सेड कि गाना बहुत बड़ा चार्टबस्टर है. तो गाने के साथ कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करने का आइडिया हमने नहीं रखा, बिकॉज वही सुर है जो लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं और लोगों को पसंद है. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कंपोजिशन, वी एड वन पार्ट, which is a English added part, one melody in the song, which is an English part of the song, and which makes you feel like that something new, you know, you're listening, there is some new tadka in that is song. Kind of rap? It's not a rap, it's a purely melody part, English melody, you can say that, but it's nicely merged with the song, it's nicely, you know, gelling with the song. Kuch gaane aise hote hain ki jinke sath zyada chhedchhad karna सही नहीं होता, तो वही हम लोगों ने जहन में रखा है अपने,
कुछ ऐड किया है, उम्मीद करते हैं कि वो जो ऐड हमने किया है एडिशनल वो अच्छा लगेगा सबको. और इट्स अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग ओनली. We haven't changed anything in the original song. While coming here, I was thinking one thing, that when for the first time we were making the song 10 years back, the very first time when Imran Hashmi heard the song, तो बहुत बारिश थी उस दिन. मैं जब हम लोगों ने पहली बार गाना प्ले किया इमरान के सामने, he was in his vanity and we were playing the song, तो बहुत बारिश थी और आज भी बारिश है. Suddenly मतलब ये इत्तेफाक की बात है, अचानक से पहले बारिश, अब सुबह से धूप निकली हुई थी. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आई गॉट लिटिल इमोशनल टुडे. थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि अपनी करियर की शुरुआत की इस गाने से. पहला गाना बॉम्बे शहर, स्मॉल टाउन से दो लड़के आते हैं और आके वो उम्मीदें और सपने लेकर आते हैं, और उन सपनों और उम्मीदों के बीच में कोई एक फरिश्ता जैसा इंसान आपको नज़र आता है. आई वुड लाइक टू थैंक टू द ऑल भट्ट फैमिली, विशेष फिल्म्स, मुकेश जी, महेश भट्ट साहब, इमरान हाशमी, कंगना रनावत, मोहित सूरी, द एंटायर फैमिली. तो वो हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था उस टाइम पे. फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ वी कंपोज्ड मोर देन 40 फिल्म्स एज अ कंपोजर. वी हैव मोर देन 30 सुपर हिट सॉन्ग्स. तो ये जर्नी जो है एज म्यूजिक कंपोजर, स्टार्टेड अ करियर, वी स्टार्टेड बोथ स्टार्टेड अ करियर एज सिंगर्स टर्न इन टू म्यूजिक कंपोजर्स, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो भट्ट साहब को ही जाता है. तो बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही थी आज की, यही वो गाना है जिसने पूरी जिंदगी का सिनेरियो ही चेंज किया था. हमको पता नहीं था कि हम कंपोजर बन जाएंगे. We were struggling as singers, and then this song came in my life, and suddenly we turned into a composer, like that. Okay, so दो भाइयों की जोड़ी हमेशा music industry में बहुत hit रही है. आप लोगों ने भी काफी तरक्की अपना. अभी तो acting में भी दो भाइयों की जोड़ी कितना धमाल मचा रही है. आयुष्मान अपार शक्ति जी. अपने गाने के अल्प्रे को जरा कुछ acting कर देगा. अभी तक तो कुछ नहीं है, जो काम आता है कर सकते हैं आप लोग. आपको लगता है शक्ल वगैरह ठीक है मतलब. अपने गाने के अंतरे को जरा गुनगुनाइए. हाँ, जो गाने का जो अंतरा है, जो हमने नया अंतरा बनाया है, वो अंतरा शारीफ गुनगुनाएंगे आपको. तुझे मिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आ जा रे, माही आ जा रे, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोया इलाही तू आ जा मेरे माही, दिल रोया इलाही ओ आ जा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही तू आ जा मेरे माही. Amazing, amazing. Can I take more recreations from you in future? Yeah, as of now, we have all focus on this Mahi, and let's see in future if we feel like that we can recreate. Actually, I'll tell you a very interesting thing. I don't know how many of you know about this. This is a very, मतलब बहुत ही बड़ी बात लगती है मुझे. मैं कभी कभी सोचता हूँ तो अपने बारे में. ये recreation का जो culture है industry में, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस कल्चर. ये सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया इन द सेंस, ये कहना गलत होगा, बट हमें वो मौका मिला करने का. द वेरी फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड विच रिक्रिएटेड इन द फिल्म वॉज मैं तेनू समझावा की, सैटरडे शर्मा की दुल्हनिया, एंड सैटरडे सैटरडे. सो बोथ द सॉन्ग वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट. सो वी गॉट अ पिक्चर हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, वी आर डूइंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, देन the director come up with the idea ki why don't we do all these two songs recreation, can we do that. I said yeah, we can do that. I mean wo punjabi gana tha, ek punjabi film ka gana tha, usko punjabi film ke us zone se bahar nikal kar ek bollywood ka gana banana tha. To actually ye shrankhala shuru hui hai hum logo ke music ke sath hi, hame ye mauka mila karne ka, and we are very grateful for this ki hame ye zindagi mein mauka mila. Aur aaj wo recreation itna bada ban gaya hai ki har ek film mein aap जो भी कोई नई फिल्म आती है उसमें एक से दो गाने आप रिक्रिएट सुनते ही हैं, पुराने गाने रिक्रिएट होके आ ही रहे हैं. सो इट्स अ बिग थिंग. ओके, उर्वशी रौतेला आप इस एल्बम, इस सिंगल का लॉन्च करने वाली है, तो कितनी एक्साइटमेंट है. आई जस्ट मेट उर्वशी, शी इज अ वंडरफुल लेडी, शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. वी हैड डन अ सॉन्ग टुगेदर इन द फिल्म ग्रैंड मस्ती. सो शी वाज, शी इज एन अमेजिंग डांसर, अमेजिंग परफॉर्मर, एंड हेवनली ब्यूटीफुल. She was like, oh my god, Resham ko rumal karenge. And I said, that's what we did. So today we have a song launch. So she was excited. She was very happy. She's a dear friend. And I wish all the luck to Urvashi also. She's doing very good.
everything seems to be really positive today, so acha feeling hai, so everything will be great. Yeah. So उनका भी अभी भी एक एल्बम आया है बिजली के तार, आप लोगों ने देखा काफी ट्रेंडिंग जा रहा है वो, कैसा लगा आपको उर्वशी उसमें, कितनी अच्छी लगी, गाना कैसे, बिकॉज आजकल काफी चेंजेस आ रहे हैं गाने में, रैप्स आ रहे हैं उसके अंदर, द टोन ऑफ द सॉन्ग इज चेंजिंग, तो आपको जनता को जो पसंद आ रहा है ना वो सही है, एंड वो शी लुक गॉर्जियस, सो गाना वीडियो वीडियो गाने का वीडियो की बेसिकली हम लोगों ने देखा नहीं है वो गाना, अभी जो भी हुआ होगा बहुत अच्छा ही हुआ होगा आई एम श्योर. ओके, अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो पहले के म्यूज़िक का जो टोन होता था, जो एक वर्जन होता था वो अलग होता था, अभी एक अलग ही वर्जन आ रहा है काफ़ी, और काफ़ी टैलेंट और काफ़ी उभरते सितारे भी दिख रहे हैं, इवन द एक्टर्स आर नाउ लाइक, हमें भी सिंगर बना है, दे आर ऑल्सो लाइक सिंगिंग द सॉन्ग वेरी ब्यूटिफुली, हाउ यू लुक आफ्टर कि म्यूज़िक का जो सफ़र है काफ़ी एक्सपांड हो रहा है, हर कोई चाहता है कि वो सिंगर बनना चाहे, एज अ प्रोफेशनल लोग देख रहे हैं सिंगिंग को अपना. All credit goes to digital world. पहले platform बहुत कम थे, talent तब भी उतना ही था, अब platform talent से ज़्यादा है, like your phone is your platform. You can become popular, you can become star, you can do anything. So opportunities इतनी ज़्यादा है, and in a way it's good, it's very good, क्योंकि हम जिस country में रहते हैं 1.34 billion का population है, तो talent भी उतना ज़्यादा ही है हमारे, तो सबको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड ऑन देयर ओन, तो अच्छा अच्छा ही एक तरह से सबको सब कुछ करने का हक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द करियर, अगर कोई कुछ करना, पहले के ज़माने में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, आज के 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, उस ज़माने में हम लोग ने शुरू किया तब भी मतलब ऐसा भी कोई ज़माना नहीं हो गया, आई मीन बाबा आदम के ज़माने के 10 साल, बट स्टिल टाइम चेंजेस एंड नाउ डेज टाइम इज चेंजिंग एवरी 3 मंथ 6 मंथ, म्यूजिक सिनेरियो इज चेंजिंग, लोगों का सुनने चॉइसेस बदल रही हैं जल्दी जल्दी कि अब इस तरह का म्यूजिक नहीं सुनना, अब इस तरह का सुनना है, एंड आई एम श्योर दिस रिक्रिएशन दौर विल ऑल्सो गो सून, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, सो ये सर्कल है, इट विल कीप गोइंग राउंड एंड राउंड. लेकिन पब्लिक मिस कर रही है मेलोडी, जो ओल्ड मेलोडी है. या बहुत अच्छी बात की सर आपने, और ये क्या वजह है, नुसरत फतेह अली खान साहब गा रहे हैं गाना, उनके गाने एक से एक हिट आप बनने हैं. हाँ बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, मतलब हम इतने मोहताज क्यों हो गए कि इतने हिट गानों को ले रहे हैं, नहीं बिल्कुल अच्छे से गा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ें होती हैं, अच्छा गा रहे हो कंपोजर, पहली चीज़ बनी हिट चीज़ को, जो हमारी जनता है, हमारे हिंदुस्तान में हर तरह की पॉपुलेशन है, आप जैसे लोग भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी होंगे, वॉट एवर इट इज, तो एक जनरेशन जो है जो स्टिल उसी मेलोडी और उसी तरह के गानों को पसंद करती है, एक जनरेशन जो है ये जो 18-19 वाली जो जनरेशन है, इनको आज का ट्रेंडी म्यूजिक, हाउस मिक्स, लाउंज मिक्स, क्लब मिक्स, ये मिक्स वो मिक्स, तो देखो आप अगर आप देखेंगे इस बात को गौर से, तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही तरह का म्यूजिक चल रहा है, बेख्याली जैसा गाना भी हिट होता है, सच अ वंडरफुल मेलोडी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल पिक्चर, वो भी हिट होता है, और एक नॉर्मल कोई गाना आप उठा लो, जैसे कि अभी आपने किसी गाने का नाम लिया आई बिजली की तरह, हाँ तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो गाना ट्रेंडिंग है, तो ऐसे गाने भी लोग सुन रहे हैं, तो म्यूजिक हर तरह का सुनना चाहती है ऑडियंस, ये डिपेंड करता है कि आपको किस वाली कैटेगरी में आना है, अगर आपको अच्छी वाली कैटेगरी में रहना है कि आपको सोलफुल म्यूजिक ही करना है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ सिंगर, देर इज सम सॉर्ट ऑफ कंपोजर के जो सोलफुल ही काम कर रहे हैं, जो कभी कोई ऐसा गाना नहीं बनाएंगे जो लोग बोले यार इनको क्या हो गया, ये इन्होंने क्या बना दिया, उनकी चॉइस है, हमारी अपनी अलग चॉइस है, किसी और आर्टिस्ट की अपनी अलग चॉइस है, पर पब्लिक को आप जैसा परोसोगे पब्लिक लेगी, बशर्ते काम अच्छा होना चाहिए, बस वो ही है, अगर जो काम दिल से किया हुआ होता है वो जरूर दिल तक पहुंचता है. नौशाद साहब यूज्ड टू से इट्स अप टू द म्यूजिक डायरेक्टर्स कंपोजर कि व्हाट फूड यू आर सर्विंग टू बी सर्व्ड द पब्लिक. सर ये बहुत देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, की यही चलता है, नहीं कोई 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 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, सडनली एकदम जिस दौर में सारे क्लबी गाने डांस नंबर चल रहे हो, उस दौर में एक गाना राजहड़ दे यार बुलिया या ए दिल है मुश्किल जैसा गाना भी आके फॉर एक्सटेंड धमाल मचा देता है, कि एक गाना जिस दौर में ऐसे गाने चल रहे हैं उस दौर में एक गाना आता है, एक फिल्म आती है पद्मावत जैसी और उसमें एक गाना आता है और इतना मेलोडियस गाना और इतना बड़ा हिट होता है वो गाना, चाहे वो बिनते दिल हो, चाहे वो आयत की तरह हो, दीज ऑल आर the musical songs. I mean a non singer can't even sing this song, in fact a non singer can't even hum this songs, but still hit.
जिस टाइम पे कभी जो बादल रिलीज हुआ, हमारा ही गाना है, उस टाइम पे भी उस तरह के गाने नहीं चल रहे थे. सॉफ्ट मेलेडियस गानों का दौर नहीं चल रहा था उस टाइम पे. पूरा यो हनी सिंह छाए हुए थे और उनके गाने लोग पसंद. वही है कि हम जो परोसेंगे, पर अगर बशर्ते ये है कि हम उसको अच्छे से डेकोरेट करके, अगर किसी को भी आप दाल में अगर थोड़ा नमक कम होगा, अगर उसकी डेकोरेशन अच्छी होती ना, तो इंसान टेम्प्ट होता है उसे खाने के लिए. भले से ऊपर से डाल ले नमक बाद में, तो ये पर आप किस तरह से सामने वाले को फीड कर रहे हो अपना म्यूजिक. चलता सब कुछ है, पर वही बात है, जो दिल से बनाया हुआ काम होता है ना, वो 100% सक्सेस होता है. माय फादर यूज्ड टू से हमेशा, और मैंने ये बात भट्ट साहब से भी सुनी, पहली बार मैंने मेरे फादर से सुनी, सेकंड टाइम मैंने भट्ट साहब से ये बात सुनी कि हर एक आर्टिस्ट की एक अपनी खुशबू होती है. बिल्कुल. हर एक आर्टिस्ट की अपनी मिट्टी होती है. उस आर्टिस्ट को उसी मिट्टी में रहना चाहिए, उसी खुशबू में रहना चाहिए. ये नहीं कि अगर मैं, हम लोग माही माही बनाते हैं, हम कभी जो बादल बनाते हैं, हम लोग सोलफुल मेलोडीज सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं. अब अचानक से हम कोई ऐसा गाना बनाएं कि मतलब तेरी जुल्फों में फूल लगा दूंगा, ओ माय गॉड, तो लोग बोलेंगे इन्हें क्या हो गया, फॉर एग्जांपल. तो ये एक चीज़ है जो जिसको हमें, हम उसी पे अटल हैं, जो हमें आता है हम वही करेंगे. जो काम आप अच्छा कर, जो काम आप अच्छा कर सकते हैं, हम वही काम करेंगे. और पब्लिक को कोशिश करेंगे कि हमारे उसी काम से हम जीते, उसी काम से मनाएं. Okay, lastly, anything in the pipeline apart from this single? Apart from this, we just finished one film called Dangerous, produced by our very dear elder brother Mikka Singh, actor cast Vipasha Basu and Karan Singh Grover, and one film director bhi bahut acche dost hai hamare, Bhushan Patel sahab, jinhone kafi achi achi filmein banayi hain, bahut badi badi filmein direct ki hain. In fact, wo unki ek film ka gaana to matlab usne itihas banaya tha, Baby Doll mein Sony di, wo unhi ki film ka gaana tha. और दूसरी फिल्म हमारी है बाईपास रोड, नितिन मुकेश स्टार एंड नमन हिज ब्रदर डेब्यू फिल्म एज डायरेक्टर. सो दीज टू फिल्म जस्ट फिनिश्ड एंड द अदर थिंग्स इन द पाइपलाइन. सिंगल्स आर इन द मेकिंग, वी आर वर्किंग ऑन सिंगल्स ओके एंड मूवीज बोथ ओके. ये सिंगल में एनी एक्टर एक्ट्रेस आर फीचर्ड इन दिस सिंगल माही? या नो माही में वी बोथ आर फीचरिंग. ओनली या In coming singles, we are in talks with few. But you guys are very good singers. Why don't you sing for yourself? I mean, why do you go look for other singers? You know? No, when you were on a job called music director, so a producer thinks or approached you in that way. That these are the composer of my film. They are making songs for my film. And one more thing, you can't be biased as a composer. अगर मुझे लगता है कि ये गाना मुझे गाना चाहिए. Like most of the songs, initial time and now also, if I feel like that this song needs to be sung by him, so he has sang so many songs in our music. I have sung few songs, but जो गाने के हक में बेहतर होता है, जो गाने की आवाज होती है. अरिजीत ने 4-5 गाने गाए हमारे, जिसमें 3-4 गाने blockbuster हैं, मतलब mega blockbuster गाने बोलेंगे उनको. तो जो जिसकी requirement होती है वो उसी तरह से किया जाता है. यू कांट बी बायस कि यार मेरा गाना है तो ये मैं ही गाऊंगा क्योंकि मैं सिंगर हूं. अर्लियर आई टेल यू, कभी जो बादल सैंग बाय मी, सैंग बाय हिम, वी हर्ड बोथ द वॉइसेस एंड वी गिव आवरसेल्फ फेयर चांस. डिसाइड किया कि नहीं, अरिजीत से ट्राई करते हैं. अगर अरिजीत का हम दोनों से अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली अरिजीत ही रहेगा. देन अरिजीत केम एंड द सॉन्ग साउंडेड समथिंग एल्स ओनली. इन फैक्ट दैट समझावा आल्सो, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, मैं तेनू समझावा की आई सैंग द फर्स्ट ट्रैक एंड आई सेंड इट टू करण सर, ही वाज इन इटली. He wanted the song कि मुझे गाना immediately भेजो, मुझे सुनना है. I sang the song to him on his WhatsApp. Then he called me and says कि अरिजीत को try कर लेते हैं एक बार, अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज में, then you decide. Then I called अरिजीत and again the game changed. तो it's a fair thing. I mean we can't be biased. अभी जो आने वाली दो फिल्में हैं उसमें दोनों गाने शारिफ की आवाज में ही हैं. आई सेड दैट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह के भी कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को आप बोलो कि नहीं मुझे ये गाना इससे गवाना है, बट they are on you ke nahi acha lag raha hai, now you keep it. He was fighting for the other singer for his song which is upcoming, and the producer was saying no, your voice is sounding fab, will not change the voice now. So it happens, matlab hamare ye acha ek in fact plus point hai ki it's a joint call. Papillary Singh has sung all most of his songs, right? And they are all hit songs. Nahi yaar, aisa Papillary ne bahut gaane gaaye, log Papillary ke gaane gaaye, maine kara hai, but khud bhi jo gaya hai wo to khud bhi kafi gaya hai. Yahi wo baat hai na ki singer hai to wo ek advantage hota hai singer ko,
जो सिंगर कंपोजर है विशाल शेखर, दोनों सिंगर है, दोनों कंपोजर है. तो एंड शेखर एज अ विशाल एज अ फेनोमिनल वॉइस. आई मीन विशाल ददलानी की आवाज़ का रिप्लेसमेंट नहीं इंडस्ट्री में. तो सो इट हैपन्स. बट समटाइम उनके गाने भी अरिजीत ने गाए हैं, कई सारे मिका भाई ने कई सारे गाने गाए, उनके बहुत सारे गाने अलग अलग लोगों ने गाए. मैं तेनू समझावा, रात फतेह अली खान ने भी गाया जी, इन्होंने भी गाया जी, अरिजीत ने जी, लेकिन अपील ज़्यादा उनका करता है राहत साहब का, लोगों को ज़्यादा. सर वो अगेन सर दैट इज, उसमें आप क्रेडिट किसको देंगे सर? दैट्स अ चॉइस सर, वो आपका चॉइस है. यू लाइक राहत खान साहब का वॉइस? नो नो सर, आई डिसएग्री टू दिस. हां, अरिजीत का जो वर्जन है, मैं आपको एक बात और बताऊं, एक राहत खान साहब का है, एक अरिजीत का है और एक आलिया का है. सबसे ज्यादा यूथ को जो पसंद है दैट इज आलियाज वर्जन. आलियाज नॉट अ सिंगर. She got 1. something billion views on her. And ऐसे नहीं समझावा गाने को, जो एक वर्ल्डवाइड आई वुड से एक पूरी पहचान जो मिली है वो फिल्म में जब अरिजीत ने गाया उसके बाद. अदरवाइज वाज अ सॉन्ग ऑफ द पंजाबी फिल्म कॉल विरसा. एक पंजाबी फिल्म का गाना था जो कि पंजाबी एक नॉर्मल फिल्म में रिलीज हुआ, मतलब रीजनल फिल्म में रिलीज हुआ, उतना रीच नहीं हुआ. वो चॉइस की बात है. सैंग द सॉन्ग एंड वरुण धवन एंड आलिया भट्ट ऑल द पैकेजिंग एंड करण भट्ट करण जौहर फिल्म तो धर्मा प्रोडक्शन वो एक बड़ा बन के, वो इतना बड़ा हुआ कि वो आज गाना इतिहास बन गया. मैं वही पूछ रहा था कि आप क्रेडिट किसको देंगे? वो वाकई है ज़्यादातर लोग पसंद करते रात फतेह जो जंग जनरेशन को छोड़ दो, आप कह रहे हो चलो ठीक है एग्री करते हैं, और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. हो सकता है एक चॉइस सबका पसंद करता हो. खराब है ऐसा, आप किसको ठीक कहते हैं ऐसी बात? जितने लोग भी हम दोनों को जानते हैं उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि वी आर बहुत आदि हार्डकोर फैंस ऑफ नुसरत अली खान साहब. नुसरत साहब को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. आई रियली लव राहत साहब सिंगिंग. मैं राहत साहब को बहुत सुनता हूँ. राहत साहब को मैं जब से सुन रहा हूँ, जब राह साहब छोटे से गाया करते थे साहब के साथ, उस टाइम मैं भी 10-12 साल की उम्र थी मेरी, और मैं सुनता था कि एक छोटा सा बच्चा कहीं बैठ के गा रहा है. तो दैट फ्रॉम दैट टाइम आई हर्ड हिज वॉइस. तो बट स्पेशली फॉर दिस सॉन्ग मैं तो नहीं समझावा, अरिजीत वर्जन इज लाइक समथिंग एल्स. अकॉर्डिंग टू अस. आर यू लुकिंग आउट फॉर एनी अपकमिंग आर्टिस्ट और प्लानिंग टू वर्क विद देम? डू यू हैव एनी फेवरेट्स? डेफिनेटली वर्किंग विद सो मेनी ऑफ देम. कितने कितने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, सबके साथ में काम कर रहे हैं. सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फेवरेट हु डू यू हैव सम प्रोजेक्ट? यार ऐसा कुछ फेवरेटिज्म जरा भी नहीं है, मतलब सभी अच्छे हैं. पर बात वो ये कि जो आपके गाने के हिसाब से सही है वही करना हमेशा बेहतर होता है. अब ऐसा नहीं है कि मुझे गवाना गाना एकदम डांस नंबर मैं किसी ऐसे सिंगर से गवा दूँ कि जो जिसकी आवाज़ उस तरह की नहीं है. आप लोग टीवी शो से सिंगर्स लेते हैं? जैसे यू गाइस बिकेम फेमस फ्रॉम टीवी शो? जी 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 बिल्कुल लेते हैं. इनफैक्ट हम लोग ने एक फिल्म करी थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसमें एक शी वाज फ्रॉम सम रियलिटी शो, सोनिया करके एक लड़की थी, शी सैंग द प्रमोशनल ट्रैक ऑफ द सॉन्ग रेशम का रुमाल गले में डाल के. एंड रिसेंटली आल्सो वन रियलिटी शो सिंगर सैंग अ सॉन्ग इन द फिल्म फुकरे रिटर्न्स. So, कोई अगर है जिसकी आवाज़ में बात है और वो आवाज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें लगता है कि ये इसकी आवाज़ गाने में आने के बाद गाने को कुछ और रूप मिल जाएगा, तो कोई छोटा हो या बड़ा हो या किसी रियलिटी शो का सिंगर हो या कहीं सड़क पर मिला हो या किसी गाँव से आया हो, डजंट मैटर. आपने याद दिला दिया. बट जैसे वी आर फ्रॉम जयपुर, तो मेरी मैनी सिंगर्स व्हेन वी गो जयपुर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे मिलने. शी इज तो सुपरस्टार नाउ. आई मीन हां शी इज अ सुपरस्टार. अभी लेटेस्ट इंडियन आइडल जो बना है जी, हाई पिच में बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन रोमांटिक